हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। आज जो है जो दिव्य ज्योति चैनल के जो भी दर्शक हैं, उन दर्शकों से मैं सादर निवेदन करता हूं कि मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजा दें कि जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे, जिससे आपको मेरी वीडियो का जो लाभ आपको मिल सके। तो आज आप लोगों को मैं जो है जो हमारे दिव्य ज्योति चैनल के जो दर्शक हैं, देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उनको मैं ये बता रहा हूं कि आज मैं कर्क राशि या कर्क लग्न में जन्म लेने वाले जातक का फल बता रहा हूं कि जो कर्क राशि के जो जातक हैं, कर्क लग्न में जो जन्म लिए हैं, उनका जो है क्या फल होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, रंग कैसा होता है, रूप कैसा होता है, वो किस तरह के व्यक्ति होते हैं, उनका विचार कैसा होता है, वो लोग प्रिय होते हैं कि नहीं होते हैं, आप लोगों को मैं बतला रहा हूं। ध्यान से पूरी वीडियो को सुने। कर्क राशि या कर्क लग्न में जन्म लेने वाले जातक का फल, तो ये बता रहा हूं आप लोगों को कि जातक जो है कैसा होता है, सुंदर होता है, गोरा होता है, रंग जो इसका क्या होगा, गोरा होगा, वो सुगठित शरीर वाला होता है, थुल थुल शरीर का भी होगा, और बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, उदार होता है, और यात्रा बहुत करने वाला होता है। तो क्या उसको यात्रा बहुत है, कुमक्कड़ होता है, एक तरह से पैदल चलने का शौकीन होता है, और धार्मिक विचारों वाला होता है, सेवा भाव उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है, वृद्ध सेवी होता है, लोकप्रिय होता है, मिलनसार होता है, एवं आवेशात्मक भी होता है, आवेश में जिसको जो चाहे बोल देगा, लेकिन मन के अंदर रखने वाला वो नहीं होता है, वो केकड़े का उसका स्वभाव। केकड़ा कैसे होता है, अपना काम कराना होगा तो आपको जकड़ लेता है, और काम करा के ही जो है दब लेगा, ये इसका स्वभाव होता है। मिष्ठान को खाने वाला, ऊंची कल्पना करने वाला, शक्ति वाला, अपनी बुद्धि के बल से दूसरों से काम निकालने वाला, क्या होता है, अपनी बुद्धि लगा करके दूसरे से काम को निकाल लेता है, और अपने बाहुबल से धन एकत्र करने वाला होता है। इसके अंदर ये चीज होता है कि अपने बाहुबल से धन को इकट्ठा करता है, और ये जान लीजिए कि इसे जीवन में बहुत कठिनाई और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, भोग विलास में विशेष रुचि एवं जीवन परिवर्तनशील होता है इसका, किसका, कर्क राशि के जातक जो होते हैं, और जो कर्क लग्न में जन्म लेने वाले, उनके फल के बारे में मैंने बता रहा है आपको कि किस तरह का उनका स्वभाव होता है, किस तरह का नेचर होता है, किस तरह का विचार होता है, किस तरह का जो है वजन उनको पसंद, ये सारी चीजें जो है जातक का स्वभाव से लेकर के जीवन पर्यंत किस तरह का उसका होता है, जो कर्क राशि में कर्क लग्न में जन्म लेते हैं जातक, मैं आपको जो है बताया, जो हमारे दिव्य ज्योति चैनल के जो दर्शक हैं उन सभी के लिए जो है बाबा विश्वनाथ से मंगल कामना है, और दर्शकों से मैं जो भी हमारे दर्शक हैं दिव्य ज्योति चैनल को देख रहे हैं उनसे सादर निवेदन है कि आप मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो है घंटी जरूर बजा दें, और जो शेयर आपको जो है जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करें और शेयर करें और घंटी जरूर बजाएं, और एक बार जो है कमेंट में आप लोग जो है हर हर महादेव जरूर लिखें, ये आप ही लोगों के बल से जो दर्शक है इसी समय वीडियो डाल रहा हूं बना रहा हूं, जिससे आप लोगों को इसका लाभ मिल सके, सेवा भाव से राष्ट्र के प्रति सेवा भाव, अपने दर्शकों के प्रति सेवा भाव है मेरा, जिसके लिए मैं बना रहा हूं, जिससे आप लोगों को लाभ हो सके। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय हो।